तबियत को लेकर के समय समय पे अब ऑपरेशन हुआ है तो जा रहे हैं चेकअप के लिए, समय समय पर डॉक्टर बुलाता है चेकअप के लिए तो जा रहे हैं। राबड़ी जी भी साथ में गई है, सब लोग गए हैं। बाबा बाबा ईश्वर को लेकर तेज प्रताप जी, कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो है वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है, जो आयोजक जो व्यवस्था किया है आप देख रहे कि पूरा, और जो जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बाबा तो नहीं है बिहार में, राम राज नहीं है बाबा बोल, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छत्री पे थे, जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है, और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था, अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे कि भाजपा छितर बितर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को।